अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोहेल। सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यला लूडो ग्लोबल रैंकिंग के बारे में, या टोटल रैंक के बारे में बात करेंगे कि जो रैंकिंग होती है उसमें क्या क्या सिनेरियो होता है, कौन सी रैंकिंग किसके लिए होती है। तो ए टू जी या मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में बताएँ, वीडियो को बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। सो एक मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ से ले सकते हैं, या लूडो के हवाले से, किसी भी टक के हवाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। तो कोई मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते तो मैं वो भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप मुझे जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग के बारे में। तो यहां पे जहां पे रैंक लिखा हुआ है, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे रैंक लिखा हुआ, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कभी यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है ग्लोबल का, और यहाँ पे ग्लोबल का जो है ना सीन, तो ये ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो होता है ये हमारे पास शो होता है। ग्लोबल रैंकिंग में जो टॉप पे हैं वो नंबर वन पे, ये आप देख सकते हैं। और नीचे जितने भी लिस्ट आएगी ना, इसमें ग्लोबल में जो होंगे इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी जो भी लोग इसको यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी ये देखिएगा कि ये है गेस्ट, ठीक है, प्लाटीनियम में है, इसके पास 8.9 बिलियन है, ठीक है। और ये नहीं कि ये भी ग्लोबल में है फोर्थ नंबर पे। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये इसकी प्लाटीनियम है कैटेगरी ग्लोबल में कैसे पहुँच गया। तो वैसे बात सोचने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा बंदा नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े गेमर पड़े हैं, लेकिन इसका जो है गेस्ट पे है ये 8 बिलियन इसका है। उसकी जो एंड होती है ना, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, तो इसकी जो रिफ़्रेश होती रहती है 11 दिन बाद रिफ़्रेश हो जाएगी, और जो टॉप थ्री पे यहाँ पे ऊपर वाली शो होती है, ठीक है। तो ये है गेम्स वाले, ठीक है, यहाँ पे जो लोग गेम्स खेलते हैं या टॉप ग्लोबल में होते हैं तो वो उनकी रैंकिंग यहाँ पे शो होती है, 1 2 3 यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे, तो रिफ़्रेश होती रहती है ये, तो इस तरह की होती है। तो यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम से ये अरीज जो नाम की एक लड़की है, ये हमेशा ग्लोबल में ही रहती हैं, तो अरबिक हैं। तो इसमें अब नीचे आ जाएँ तो नीचे काफ़ी पड़ी हैं। तो अब हम बात कर लेंगे इसकी, बैक चले जाएं तो नीचे आते हैं लूडो बिलियन। तो यहाँ पे लूडो बिलियन में हैं जो, यहाँ पे आप इस पे सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो गेमिंग वाले नहीं होते, यहाँ पे गिफ्टर शो होते हैं आपको। तो टॉप में जो ये जो सबसे ज़्यादा रिचार्ज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सेंडिंग करते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है ना वो यहाँ पर होता है लूडो बिलियन में से। तो यहाँ पर टॉप नंबर वन पे यहाँ पर आपको शो हो रहा है सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है यहाँ पे नीचे चलती रहती है, ठीक है, यहाँ पे ये भी रिफ़्रेश होती रहती है, ठीक है। कभी कोई अपर जाता है, कोई नीचे आता है, तो ये रिफ़्रेश होती रहती है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद 24 घंटे बाद ये रिफ़्रेश हो जाती है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिचार्ज करते हैं तो वो लोग यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इसमें से 30 लोग होते हैं जो सेंडर होते हैं, और 30 लोगों की ये लिस्ट होती है बिलियन की जो होती है। सेकेंड नंबर पर हम आ जाएँ लेजेंड पे, तो लेजेंड पे जो हमारे पास रैंक शो हो रहा है, तो ये हैं लेजेंड जिनके स्टार्स ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो टॉप स्टार हैं वो 437 हैं, और ये स्टार यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे आप स्टार की बात करें तो यहाँ पे लेजेंड स्टार किसके पास कितने स्टार है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अरबिक भी हैं, और यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी भी होते हैं। अब यहाँ पे जिनका अरबिक वाला फ्लैग शो हो रहा है तो उसमें मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, वो इसलिए कि जो लोग प्रोग्रामिंग रूम्स के ऑनर होते हैं तो वो लगाते हैं सऊदी अरेबिया का फ्लैग, या क्योंकि उसमें आपका टास्क कंप्लीट होना होता है इसलिए वो सऊदी अरेबिया का लगाते हैं फ्लैग। तो जो नॉन प्रोग्रामिंग होते हैं तो वो पाकिस्तान की लोकेशन रख भी लेते हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार वाली रैंकिंग शो हो रही है, जिसके पास जितने स्टार हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहे हैं जो लेजेंड हैं हमारे, ठीक है, ये उनकी लिस्ट होती है। सेकंड पे नंबर पे जो थर्ड नंबर पे हमारे पास फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो मेरी छोटी आईडी है उस पर आप बात कर ले तो इस पर हमारे पास रैंकिंग है, मेरे पास 3-4 लोग हैं। तो यहाँ पे आप देख लें तो फ्रेंड्स जो आपके होंगे तो वह यहाँ पे आपको शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग जो होती है ना आपके फ्रेंड्स की होती है,
और क्योंकि ये मेरी छोटी आईडी है तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं जिस पे भी उनकी रैंकिंग होगी तो उनको शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है ग्लोबल रैंकिंग का, ये सारा इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल में बता दिया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, वरना डिसलाइक करना आपका राइट बनता है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।